अब तुझे रोमा में गवाही देनी होगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल 20वें बाब की 30वीं और 23वें बाब की 6ठी से 11वीं आयत। उस वक्त कायद ने दूसरे दिन इस इरादा से कि खूब दरियाफ्त करे कि यहूदी उस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे खोल दिया और हुक्म दिया कि सरदार काहिन और सारी अदालत आलिया जमा हो और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब पौलुस ये जानकर कि उनमें से बास सदूकी हैं और बास फरीसी, अदालत आलिया में पुकारा, ए मर्दों भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की कयामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ी, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना कयामत होती है ना कोई फरिश्ता या रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरके के चंद फिक्की उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते हैं, अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या। जब बड़ी तकरार हुई तो कायद ने इस खौफ से कि लोग पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, फौज को हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। और उसी रात खुदावन पौलुस के पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। हमारे लिए आज का ज़बूर जिसका जमायती जवाब है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है, खुदावंद मेरी मेरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे भर्रे का निगबान है। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कल्ब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ, जब वो मेरी दहनी तरफ है तो मैं जुम्बश ना खाऊँगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको जिंदगानी की राह अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सरूर दिखाएगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ।